आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के हाथों हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। क्रिकेट पसंद करने वाले भारतीय प्रशंसक निराश हैं। इस बीच ये भी चर्चा में है कि भारत के धाकड़ विकेटकीपर और बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते हैं। धोनी के संन्यास की खबरों के बीच लता मंगेशकर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लता ने कहा है कि अभी देश को आपके खेल की जरूरत है। लता मंगेशकर ने ट्विट पर लिखा कि नमस्कार एमएस धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया पैसा मत सोचिए, देश को आपके खेल की जरूरत है और ये मेरी भी गुजारिश है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप अपने मन से निकाल दें। इसके साथ ही लता ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 1944 में गाया हुआ गाना अपने टीम इंडिया को समर्पित किया है। इस गाने के बोल हैं, आकाश के उस पार भी कल भले ही हम जीत ना पाए हो, हम हारे नहीं हैं। गुलजार साहब का क्रिकेट के लिए लिखा हुआ ये गीत मैं हमारी टीम को डेडिकेट करती हूँ। गौरतलब है कि टीम इंडिया के हार पर बॉलीवुड सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। वरुण ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा था कि रिस्पेक्ट और शुक्रिया टीम इंडिया हमें इतना कुछ देने के लिए। वहीं अनुपम खेर ने ट्विटर के माध्यम से लिखा था कि शुक्रिया भारतीय क्रिकेट टीम तुम्हारे खेल और तुम्हारी कोशिशों के लिए, तुम बहुत अच्छा खेले, तुम आपस में जुड़े रहो, तुमने हमारे भीतर के भारतीयों को बाहर निकाल दिया, बल्कि कहना ये चाहिए कि तुमने हमारे भीतर के तिरंगे को बाहर निकाल दिया। तुम हमेशा हमारे हीरो बने रहोगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह अन्य सेलेब्स ने भी सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस की सराहना की है। अब तो देखना ये होगा कि वाकई में क्या एमएस धोनी संन्यास ले लेंगे या फिर एक बार फिर से क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। चले फिलहाल गलत नहीं, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एमएस मीडिया।